क्या भाई दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो फाइनली आपके तीन एग्जाम खत्म हो चुके हैं, अकाउंट्स, लॉ एंड मैथ। अब बारी है आपके आखिरी एग्जाम की, जो कि है इकोनॉमिक्स। और हो सकता है आप बहुत ज्यादा इस समय थके हुए होंगे और बहुत ज्यादा आपका जो माइंड है ड्रेन हो चुका होगा। बट मैं आप सभी को अभी यही कहूंगा कि आखिरी एग्जाम बचा है, आखिरी कुछ बचा हुआ है, इस एग्जाम को बहुत अच्छे से निकाल लो। और ये एग्जाम कहीं ना कहीं ना आपको हेल्प भी कर सकता है अपना एग्रीगेट बनाने में, इसको इतना हल्के में मत लो। चलो फटाक से आज की वीडियो को शुरू कर। तो अभी जस्ट आप लोग 4 बज रहा होगा, आप अभी एग्जाम देके आए। मैं आपको कहूंगा आज आप थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा रेस्ट ले सकते हो। और नॉर्मली आप 8 बजे बैठते थे तो आपको 3 घंटे का ब्रेक मिलता था, 5 बजे आप आते थे, उसके बाद 8 बजे तक का। बट आज आप 4 बजे आए हो और 4 से 8 आप बड़े आराम से आराम करो और आप चाहो तो नैप भी ले सकते। बट 8 बजे पढ़ने बैठ जाना, 8 से 12 तक पढ़ लेना, 1 बजे तक पढ़ लेना, जितना एक्सटेंड कर सकते हो उतना। सुबह उठना, 7-8 बजे पढ़ने बैठना एंड 1 बजे तक आपको अपनी पढ़ाई को एक्सटेंड करना। और इतने देर में क्या पढ़ना है, देखो इस समय ना ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरा एग्रीगेट बना सकते हो। तो मैं कहूंगा आपको 100% सिलेबस कवरेज करना। बट हाँ, जिनको अगर इकोनॉमिक्स टफ लगता है उनके लिए मैं कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स बता रहा हूँ, आप इन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना और बाकी चैप्टर्स पे तो फोकस करना ही करना। आप कुछ चैप्टर जो ऐसे फोकस करने, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स हो गया, दूसरा डिमांड एंड सप्लाई हो गया, तीसरा कॉस्ट एंड प्रोडक्शन हो गया, चौथा प्राइस डिटरमिनेशन एंड डिफरेंट मार्केट हो गया, बिजनेस साइकिल हो गया। ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें अप्रॉक्स 50-60 नंबर का पेपर बनेगा। तो आप अगर इन चैप्टर्स पे अच्छी ग्रिप बना के तो आप एटलीस्ट इस सब्जेक्ट के अंदर पास तो हो जाओ। बट मैं फिर से कह रहा हूँ कि इस सब्जेक्ट के अंदर आपको एग्रीगेट अच्छा बनाना है, आप इसमें 100% की प्रिपरेशन करके जाओ। जब 1 बज जाएगा तब आप 1-2 ब्रेक ले लेना और 2-4 और 5-7 आपको 2 MTB सॉल्व करनी ही करनी है, जो ICAI ने इस अटेम्प्ट के लिए लॉन्च करी है। अब जब 7 बजे तक आप प्रिपरेशन लोगे ना और दोनों MTP दे दोगे तो आपको एक आइडिया पड़ जाएगा कौन से चैप्टर्स कैसे क्वेश्चंस हैं जो आपसे बन नहीं रहे, तब आपको शाम में उसको रिवाइज कर लेना। और सुबह भी आप 7-8 बजे तक पढ़ने बैठ जाना और 11 बजे तक आराम से जितना भी हो सके उतना अच्छे से रिवीजन करके 11 बजे उठना, आराम से नहा धोके भगवान की पूजा करके मम्मी पापा का आशीर्वाद लेके फिर एग्जामिनेशन सेंटर चले जाना। अब देखो मैं एक चीज और सजेस्ट करना चाहूंगा, मैथ्स के पहले ना मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बना के चैनल पर अपलोड करी थी जिसकी लिंक आपको आई बटन में मिल रही। आपको सजेस्ट करूंगा आप उस वीडियो को जरूर देखना, उसमें आपको पता चलेगा कैसे आप इकोनॉमिक्स के अंदर 30-40 मार्क्स तो बड़े आराम से पा सकते हो। तो जाके उस वीडियो को तो जरूर से देख लेना। चलो आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से जल्दी हमें 5,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाना है। तो बस मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखो, अपनी मम्मी पापा का ख्याल रखो और हाँ, एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। फोड़ के आना, आखिरी एग्जाम है। बाय।